प्राचीन समय से टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोग्रेस अलग अलग आविष्कारों और खोजों के जरिए होती रही, जिसने हमारी दुनिया और समाज को वैसा आकार दिया है जैसा कि आज हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसे आविष्कार और खोजें भी की गईं, जिन्हें कई कारणों से हमारी नजरों से छुपा लिया गया। ये कारण गवर्नमेंट इंटरवेंशन से लेकर कॉरपोरेट इंटरेस्ट और आम लोगों को गुलाम बनाए रखने की सोच, इन सभी के मिश्रण थे। माना जाता है ये ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कार थे जो अगर हमारे सामने होते तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती। विक्टर ग्रेबेनिकोफ, एक सेल्फ टॉट साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। इनकी अज्ञात को जानने की जर्नी प्रकृति की ओर उनकी जिज्ञासा से शुरू हुई, खास तौर पर इंसेक्ट्स किंगडम। विक्टर का मानना था कि इंसेक्ट्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं, जैसे कि एंटी ग्रेविटी। विक्टर की खोज का आधार कैविटी स्ट्रक्चरल इफेक्ट था, जो उन्होंने मधुमक्खियों को ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब ईयर 1980 में विक्टर साइबेरिया के क्लिफ में कैंप कर रहे थे। वो ग्राउंड में लेटे हुए थे, तभी उन्हें अजीब सी सेंसेशन होने लगी। उन्हें अजीब सा एहसास हुआ क्योंकि वो जहां लेटे थे उसके ठीक नीचे ही बी सिटी मौजूद थी। उन्हें अचानक हेडेक होने लगा, उनके कानों में रिंगिंग साउंड सुनाई देने लगा और उन्हें मेटालिक टेस्ट फील होने लगा। तभी उन्होंने बी नेस्ट को कलेक्ट करके अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उन्होंने पाया कि मधुमक्खियों के नेस्ट से अनयूजुअल हीट निकलती है जो किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं की जा सकती। उन्हें अंदाजा हुआ कि ये इफेक्ट शायद हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से पैदा हो रहा था। ये अपने आसपास के एरिया को इफेक्ट कर सकता था और इसकी जानकारी साइंस को नहीं थी। इसके बाद विक्टर ने इंसेक्ट्स की शेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि ये एक्सट्रीमली रिदमिक और अनयूजुअली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था जो ग्रेविटी को मात दे सकता था। जब उन्होंने चाइटिन शेल्स को एक दूसरे के पास रखा तो पाया कि एक शेल कुछ सेकंड्स तक हवा में उड़ा, उसने खुद को दूसरे शेल के अनुसार अलाइन किया और फिर नीचे आया। यहीं से विक्टर ने एंटी ग्रेविटी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने शोध को आगे बढ़ाया और एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जिसमें हजारों चाइटिन शेल्स उसके बेस पर लगे हुए थे, और इस तरह निर्माण हुआ एक एंटी ग्रेविटी व्हीकल का। विक्टर का दावा था कि उनका प्लेटफॉर्म 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता था और ग्राउंड से 300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता था। इतना ही नहीं, ये डिवाइस ड्राइवर को नीचे से इनविजिबल बना देती थी, साथ ही चारों तरफ एक फोर्स फील्ड का निर्माण करती थी जो इनर्जिया और डायनेमिक प्रेशर को खत्म कर देती थी। लेकिन ऐसे चमत्कारी क्लेम्स और सालों की रिसर्च के बाद विक्टर को साइंटिफिक कम्युनिटी से स्केप्टिसिज्म और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यो 1992 में उनका पेटेंट एप्लीकेशन तक डिनाय कर दिया गया। विक्टर ने तय किया कि वो अपनी खोज एक बुक के सहारे दुनिया से शेयर करेंगे। इस बुक में उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और सारे रिजल्ट डिटेल्स में समझाए गए थे, साथ ही इसमें उनके एंटी ग्रेविटी प्लेटफॉर्म की तस्वीरें भी मौजूद थीं। अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि आखिर विक्टर का पेटेंट एप्लीकेशन डिनाई क्यों किया गया। साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर भी प्रेशर था। उन्होंने विक्टर की बुक पब्लिश होने से पहले ही उसमें ऑल्टरेशंस किए। एंटी ग्रेविटी डिवाइस के मुख्य सिद्धांतों को एडिट कर दिया गया, साथ ही सभी तस्वीरों को एडिट करके ऐसे पोर्शंस निकाल दिए गए जिनसे विक्टर की रिसर्च को समझा जा सकता था। उन्होंने ऐसा सैकड़ों इमेजेस और पैराग्राफ्स के साथ किया था। विक्टर अचानक गायब हो गए और अप्रैल 2001 में उनकी मौत हो गई। उनके एक कॉलीग ने दावा किया कि विक्टर ने ऐसा आविष्कार किया था जो साइंटिफिक अंडरवर्ल्ड और गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑर्डर को पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते थे कि ये आविष्कार लोगों तक पहुंचे, इसलिए उनकी बुक में एडिटिंग की गई और उनका प्रोसिक्यूशन भी करवा दिया गया। अगर विक्टर जिंदा होते तो हमारे पास एंटी ग्रेविटी व्हीकल जरूर होता। अर्ली 20th सेंचुरी में
रॉयल रेमंड राइफ एक अमेरिकन इन्वेंटर और साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक खास मशीन डेवलप की जिसका नाम द राइफ मशीन रखा गया। ये मशीन इफेक्टिवली कैंसर को डायग्नोस और क्योर भी करती थी। 1930s में राइफ ने एक यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप बनाया जो उस दौरान ऑप्टिकल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस माना गया। ये माइक्रोस्कोप उस दौरान 60,000 गुना मैग्निफिकेशन कर सकता था, जो कि तब मौजूद माइक्रोस्कोप्स की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा था। राइफ की माने तो उनका माइक्रोस्कोप दूसरों से अलग था। वो रोटेटिंग लेंसेस और बेंडिंग लाइट्स का इस्तेमाल करके खास वायरसेस और बैक्टीरियाज को इल्यूमिनेट कर सकता था, जिससे कैंसर या किसी भी बीमारी के सेल्स को साफ देखा जा सके। इस खोज का आधार ये था कि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, तो खास तरह के सेल्स की फ्रीक्वेंसी जानकर उन्हें नष्ट किया जा सकता था। राइफ की डिवाइस कैंसर या किसी भी वायरस की फ्रीक्वेंसी का पता लगाकर सिर्फ उसी सेल ग्रुप को खत्म कर देती थी, बिना दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाए। एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए गए। शुरुआत में राइफ ने लैब एनिमल्स को अपनी डिवाइस से क्योर किया। इसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हुए। राइफ ने 16 कैंसर पेशेंट्स को एकदम ठीक कर दिया था, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। 1934 में राइफ का अपना क्लिनिक था और उनकी मशीन का कैंसर के अगेंस्ट सक्सेस रेट 100% था। ये मेडिकल साइंस के लिए एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था, लेकिन हमेशा की तरह मेडिकल कम्युनिटी ने राइफ के इन्वेंशन को नकारना शुरू कर दिया। क्रिटिक्स ने दावा किया कि राइफ की डिवाइस एकदम बेकार है और इस तरह कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो 16 पेशेंट्स भी दुनिया के सामने थे जिन्होंने दावा किया था कि राइफ की मशीन से उनका कैंसर ठीक हुआ और उन्हें नया जीवन मिला था। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने राइफ के ऊपर केस कर दिया। कोर्ट में केस लड़ना राइफ के बस में नहीं था, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी जो राइफ के पास नहीं थे। उसी दौरान राइफ की लेबोरेटरी और क्लिनिक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, साथ ही उनके रिसर्च पेपर्स भी जला दिए गए। राइफ के सपोर्टर्स का दावा था कि राइफ की खोज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट केस के चलते राइफ डिप्रेशन में चले गए, उनकी हेल्थ भी बिगड़ने लगी और पैसे भी खत्म हो गए। 1971 में उनकी मौत हो गई। आखिरकार राइफ के इन्वेंशन का लाभ कभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। At the top, our news here at 6 o'clock, an age-old dream is becoming a reality. A local inventor has discovered a way to run your car with water. His name is Stanley Meyer. दोस्तों, alternate energy की बात करें, तो शायद ही कोई ऐसी कहानी होगी जिसका मुकाबला Stanley Meyer की कहानी से किया जा सके। Stanley Meyer ओहायो के inventor थे, जिन्होंने water fuel cell का invention 1980s में किया था। ये सेल सिर्फ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस का काम नहीं करता था, बल्कि ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज रिलीज करता था जिसके जरिए वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड को तोड़ा जा सके। मायर ने एक ड्यून बग्गी में सिस्टम को फिट करके दुनिया के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था। वाटर फ्यूल सेल दरअसल पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट देता था, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कंबशन में किया जाता था। ये कॉन्सेप्ट किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके जरिए गाड़ियां चलाने के लिए फ्यूल की जगह पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि पानी का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस डेमोंस्ट्रेशन के बाद लोकल न्यूज में मायर के चर्चे हुए और ओवरसीज से लोगों ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया था। लेकिन इतना सब होने के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी ने मायर के क्लेम्स को झूठा बताया। मार्च 20, 1998, मायर एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी वो अपने गले को पकड़कर दौड़ते हुए बाहर आए और वहीं गिरकर उनकी जान चली गई। मायर के सपोर्टर्स ने दावा किया था कि उन्हें रेस्टोरेंट में जहर देकर मारा गया है, क्योंकि उनका इन्वेंशन ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनकी डेथ के बाद कई इंडिविजुअल्स ने वाटर सेल बनाने की कोशिश की, लेकिन मायर और उनके रिसर्च पेपर्स इस दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद किसी ने भी आज तक कुछ ऐसा नहीं बनाया। थर्टीज का दौर साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज और मॉडर्न फिजिक्स के उत्थान का समय था। उसी दौर में टी हेनरी मोरे नाम के इन्वेंटर ने एक मशीन बनाई जो कॉस्मोस की बाउंडलेस एनर्जी को हार्नेस करने की क्षमता रखती थी। इस डिवाइस में इतनी पोटेंशियल थी
कि इसके जरिए यूनिवर्स की अज्ञात शक्तियों को टैप करके अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पावर का इस्तेमाल संभव था। लेकिन उस दौर में भी मोरे के इन्वेंशन को क्रिटिसिज्म मिला। मोरे दरअसल यूटा की सॉल्ट लेक सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इन्वेंटर थे। वो निकोला टेस्ला के काम से काफी प्रभावित थे, खास तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रेडियो एक्टिविटी से। मोरे को विश्वास था कि हमारे आसपास अनलिमिटेड एनर्जी मौजूद है, जिससे कनेक्ट किया जाए तो हम बाउंडलेस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी डिवाइस का मकसद इसी कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलने का था, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम बिना किसी खर्च या सीमा के किया जा सके। इनकी डिवाइस में मौजूद स्पेशल वॉल्व एक सेमीकंडक्टर मटेरियल था, जो आसपास की रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था और उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट भी करता था। मोरे ने अपनी डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन कई बार लोगों के सामने दिया। इन एक्सपेरिमेंट्स में एलईडी बल्ब्स, मोटर और रेडियो शामिल थे, जो बिना किसी अपेरेंट कनेक्शन या वायर्स के आसानी से काम करते थे। साइंटिफिक कम्युनिटी शुरुआत से ही मोरे की खोज को क्रिटिसाइज कर रही थी। उनका कहना था कि मोरे की डिवाइस की थ्योरी और ऑपरेशन के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। स्वाभाविक सी बात थी कि मोरे अपने इन्वेंशंस के सारे डिटेल्स सबके सामने नहीं रखना चाहते थे, जैसे कि कोई भी इन्वेंटर करेगा, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है या फिर कोई इसे रेप्लिकेट करके पेटेंट भी करवा सकता है। मोरे ने दावा किया था कि उनके इन्वेंशन पर कुछ अमीर और पावरफुल लोगों की नज़र थी, जिन्होंने उनके इन्वेंशन को सप्रेस करने की कोशिशें की। मोरे को कई धमकियां दी गईं, उनकी लेबोरेटरी को तबाह करवा दिया गया और उनके इक्विपमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मोरे चुपचाप अपनी डिवाइस को रिफाइन करने में लगे रहे, लेकिन उनके पास उतना सपोर्ट नहीं था कि वो इस डिवाइस को पब्लिक के लिए उपलब्ध करवा सकें, और तभी उनकी मौत हो गई। मोरे के जाने के बाद वो मशीन रेप्लिकेट नहीं की जा सकी और शायद उनके रिसर्च पेपर्स को गायब करवा दिया गया था। कोरल कैसल एक लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है जो फ्लोरिडा के होमस्टेड में मौजूद है। इसे 20th सेंचुरी की मोस्ट मिस्टीरियस आर्किटेक्चरल फीट कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर एडवर्ड लीट्स गार्लिन ने 1923 से 1951 के दौरान अकेले ही बनाया है। इस स्ट्रक्चर का वेट 1100 टन्स है। इन विशाल हैवी स्ट्रक्चर्स को अपनी जगह पर लगाने को लेकर एंशियंट साइंस के सीक्रेट से लेकर अननोन एनर्जीज तक तरह तरह की मिस्टीरियस थियोरीज सामने आती हैं। एडवर्ड की जिंदगी बहुत बुरी चल रही थी जब उनकी 16 वर्षीय फियांसे ने उन्हें लातविया में धोखा दे दिया। उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स की ओर निकल गए, जहां हेल्थ खराब होने के बाद उन्हें टर्मिनल ट्यूबरक्यूलोसिस डायग्नोस हुआ। लेकिन एडवर्ड ने अपनी बीमारी का इलाज खुद ही मैग्नेटिज्म से सक्सेसफुली कर लिया था, और तभी से एडवर्ड ने कोरल कैसल का निर्माण भी शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने इस जगह का नाम रॉक गेट पार्क रखा था। एडवर्ड ने कोरल कैसल में सारा काम अकेले और रात के समय किया, ताकि कोई उनकी टेक्निक्स को ना देख सके। एडवर्ड का दावा था कि उन्हें पिरामिड्स के सीक्रेट का पता लग गया है, जिसकी वजह से वो विशालकाय और भारी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से उठा सकते थे। यहाँ मौजूद पत्थरों का वजन काफी ज्यादा था, कुछ का तो लगभग 30 टन के आसपास। कुछ लोकल टीनेजर्स छुपकर एडवर्ड को काम करते हुए देखते थे। उनके अनुसार एडवर्ड विशालकाय पत्थरों को इस तरह उठाते थे जैसे कोई अज्ञात शक्ति उनके लिए काम कर रही हो। चारों तरफ चर्चा थी कि एडवर्ड ने कोई प्राचीन टेक्निक डिस्कवर कर ली है जो समय के साथ खत्म हो चुकी थी। वैसे तो एडवर्ड्स अपने सीक्रेट नहीं बताते थे, लेकिन उन्होंने कुछ क्लूज जरूर दिए। उनका कहना था उन्होंने लॉ ऑफ वेट और लेवरेज को समझ लिया है, और तभी उनकी तस्वीरों में हमें वो लकड़ियों से बने ट्राइपॉड्स का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। हालांकि ये तकनीकें देखने में इनसफिशिएंट नजर आती हैं। लोगों का मानना था कि एडवर्ड ने मैग्नेटिज्म के सीक्रेट्स को समझकर कोई ऐसी टेक्निक निकाली है जिसके जरिए वो इतने भारी पत्थरों को मूव कर लेते हैं। कुछ लोगों की थ्योरी थी कि जिस तरह मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके भारी पत्थरों को हल्का बनाया जा सकता है और उन्हें आसानी से मूव किया जा सकता है। एक और थ्योरी थी कि एडवर्ड्स ने अकूस्टिक लेविटेशन का इस्तेमाल किया, एक ऐसा मेथड
जिसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को लेविटेट करवाया जा सकता है। लोग मानते थे एडवर्ड ने किसी तरह उस हैवी स्टोन की फ्रीक्वेंसी पता लगाकर साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो उन्हें अपनी जगह तक पहुंचाने में कामयाब हुए। लेकिन इन थ्योरीज के बावजूद कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सका कि एडवर्ड ने कोरल कैसल कैसे बनाया होगा। विल्हेम राइक एक इन्वेंटर थे जिन्होंने एक कमाल की डिवाइस डेवलप की थी। राइक का मानना था कि हमारे चारों ओर ऑर्गन एनर्जी का भंडार है, वो हर एक जीवित या मृत चीज में उपलब्ध है और उसकी मदद से तरह तरह के काम किए जा सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा चेंबर बनाया था जिसमें बैठकर ऑर्गन एनर्जी को हार्नेस करके बीमारियों को क्योर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी नई डिवाइस से ऑर्गन एनर्जी का नया इस्तेमाल करना शुरू किया। राइक का कहना था कि ऑर्गन एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके बादलों को डिसॉल्व किया जा सकता है, जिसकी वजह से जहां चाहें बारिश करवाना संभव है। क्लाउड बस्टिंग डिवाइस जो कि राइक ने 1950s में डेवलप की थी, वो कई हॉलो ट्यूब की मदद से बनी थी जो एक केबल के जरिए आपस में जुड़े थे और उनके चारों ओर पानी भरा होता था। ये डिवाइस ऑर्गन एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करती थी और बादलों का निर्माण करके उसकी तरफ डाइवर्ट होकर बारिश करवा देती थी। राइक ने क्लाउड बस्टर के साथ सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए और अलग अलग लोकेशंस में उन्होंने बारिश करवाई, जिसमें एक खास डॉक्यूमेंटेड ट्रायल भी शामिल था जब राइक ने मेन के ब्लूबेरी फार्म पर बारिश करवाई थी। वो इलाका उस दौरान सूखे से प्रभावित था। इन एक्सपेरिमेंट की वजह से लोगों का ध्यान राइक के इन्वेंशन पर गया, लेकिन उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने राइक को एक थ्रेट समझा। क्रिटिक्स ने राइक की मशीन को डिसमिस किया ये कहकर कि इसके कोई खास साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं हैं। गवर्नमेंट और लीगल अथॉरिटीज ने राइक के एक्सपेरिमेंट्स पर कई पाबंदियां लगाने की कोशिशें की। यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने राइक के एक्सपेरिमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 1956 में राइक को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में जेल भेज दिया गया। FDA ने उनकी डिवाइस को नष्ट कर दिया और उनके पब्लिकेशंस को भी खत्म कर दिया। उस दौरान लोगों ने इस एक्ट को साइंटिफिक सेंसरशिप का डार्केस्ट मोमेंट कहा था। वर्ल्ड वॉर टू की टर्मोइल के दौरान हेनरी फोर्ड एक बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। हेनरी की सोच बहुत इनोवेटिव थी। उस दौरान उनका मॉडल टी प्रोडक्शन बूम पर था। तभी उन्हें वातावरण की चिंता हुई और उन्होंने लॉन्च की एक ऐसी जबरदस्त कार जो न केवल बायोफ्यूल का इस्तेमाल करती थी बल्कि उसी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई थी। इसे हैम्प कार कहा गया क्योंकि ये हैम्प या कैनबिस से बनी हुई थी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री उस दौरान ग्लोबली एक्सपेंड कर रही थी और हेनरी की कार बायोफ्यूल से चलती थी। फोर्ड चाहते थे कि दुनिया में ऐसी कार होनी चाहिए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनी हो ताकि वो रिन्यू हो सके। कार की बॉडी एक कॉम्पोजिट मटीरियल से बनी हुई थी जिन्हें हेम्प फाइबर्स कहा जाता है। इन्हें कुछ दूसरे प्लांट फाइबर्स से मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता था जो बेहद हल्का और मजबूत होता था। ये न केवल वातावरण के लिए अच्छा था बल्कि स्टील से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग भी था। हेम्प कार उस बायोफ्यूल से चलती थी जो कैनबिस प्लांट की सीड से निकलता था। इस फ्यूल से वातावरण को कोई नुकसान नहीं होता था, साथ ही ये बेहद सस्ता और रिन्यूएबल प्रोडक्ट था। 1941 में जब इस कार की पब्लिक लॉन्चिंग हुई तब दुनिया भर से इसे अटेंशन मिली, लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को साइडलाइन कर दिया गया। पेट्रोलियम इंडस्ट्री और पॉलिटिकल सिनेरियो ने मिलकर ऐसे हालात पैदा किए पोर्ट का कैनबिस की फार्मिंग करना मुश्किल होता गया। वर्ल्ड वॉर टू के चलते गवर्नमेंट ने भी कैनबिस पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और अंत में प्रोजेक्ट को विथड्रॉ करना पड़ा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। टबैको में कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं, साथ ही इससे लंग्स पूरी तरह खराब हो जाते हैं। लेकिन 1960s में सिगरेट्स का एडवर्टाइजमेंट बढ़ चढ़ कर किया जा रहा था। ऐसे एड कैंपेन्स चलाए जाते थे जिनमें डॉक्टर्स खुद इसका इस्तेमाल करते दर्शाए जाते थे। सिगरेट इंडस्ट्री ने इसे अपीलिंग बनाने के लिए एड्स में महिलाओं, मशहूर लोगों और यहाँ तक कि बच्चों का इस्तेमाल तक किया। टबैको इंडस्ट्रीज बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी
तभी इसके हेल्थ रिस्क सामने आने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि सिगरेट में कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन टबैको इंडस्ट्रीज ने अपनी फेक रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट करके उन हेल्थ रिस्क को दरकिनार करने की कोशिश की। तभी जेम्स टीबोल्ड नाम के वैज्ञानिक ने लिजेट एंड मायर्स के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। लिजेट एंड मायर्स टबैको कंपनी थी जो नॉर्थ कैरोलिना में पेश थी। मोल्ड की रिसर्च उस पदार्थ पर फोकस कर रही थी जिसकी वजह से कैंसर होता था। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट XA नाम दिया गया, एक ऐसा इनिशिएटिव जो हार्मलेस सिगरेट्स बनाने के लिए था। 25 सालों की रिसर्च के बाद मोल्ड ने XA सिगरेट लॉन्च की जो कैंसर फ्री सिगरेट थी। इसे पलेडियम सिगरेट्स भी कहा जाता था क्योंकि ये प्रोडक्ट पलेडियम और मैग्नीशियम का मिश्रण इस्तेमाल करता था जो कैंसर एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करके एलिमिनेट कर देता था, और इसीलिए वो सिगरेट्स हार्मलेस थी। लेबोरेटरी टेस्ट में कंफर्म हो चुका था कि ये हार्मलेस सिगरेट्स थी, लेकिन अब कंपनी के सामने मुसीबतें आने लगी। लिगेट और मायर्स कंपनी ने अपने लीगल काउंसिल से इन्फ्लुएंस होकर प्रोजेक्ट ऐसे से अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया। लॉयर का मानना था कि सेफ सिगरेट मार्केट में लाने से लोग आक्रोशित हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि लिगेट और मायर्स ने इसके पहले जो सिगरेट्स बेची थी वो सभी हार्मफुल थी। साथ ही दूसरी सिगरेट कंपनीज इनके पीछे पड़ सकती थी क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। प्रोजेक्ट ऐसे बंद हुआ और लिगेट ने मोल्ड की रिसर्च को पब्लिक तक पहुंचने भी नहीं दिया। तब से लेकर आज तक ये कंपनीज कैंसर कॉजिंग सिगरेट्स बनाती आ रही हैं। ना जाने कितने ही ऐसे आविष्कार थे जो रहस्यमय ढंग से कभी सामने नहीं आ सके। ये इन्वेंशंस शायद हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।